आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी खुद की फीकी या पुरानी जीन्स से नए कलर की जीन्स बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो ये है मेरी पुरानी वाली जीन्स जिसको आज हम कलर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें जीन्स को वॉश कर लेना है ताकि फैब्रिक इजीली कलर को अब्सॉर्ब कर सके। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है जीन्स को पानी में आसानी से डुबा पाए उतना पानी लिया है। अब यहाँ बर्तन में पानी को 60-70 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल कर लेना है। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ कदम के परमानेंट फैब्रिक कलर्स जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हमें हमारे जीन्स का मिलता जुलता कलर यूज़ करना है। मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्लू कलर। पानी गर्म होने के बाद उसमें एक कप नमक डालकर उसे 2-3 मिनट स्टीर कर लेना है। देन हम यहाँ पे कदम कलर कुछ इस तरह मिक्स करके बर्तन में डाल रहे हैं। डार्कर कलर के लिए आप 2 कलर पाउच भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेफ्टी ग्लोव्स का यूज कर रही हूँ स्किन को जलन से बचाने के लिए। वैसे तो ये एक स्किन फ्रेंडली कलर है। अगर किसी को कलर से एलर्जी हो या फिर किसी गलती से किसी की आंखों में चले जाए तो जलन हो सकती है, इसलिए कभी भी ग्लोव्स यूज करना बेटर है। इस बॉइल्ड वाटर में हम 40 मिनट्स तक जीन्स को डुबाकर स्टीर करेंगे। मैं यहाँ पर 7 मिनट हाई हीट पर रख रही हूँ। पानी ठंडा होने तक जीन्स को बर्तन में ही डुबाकर रखेंगे। रिकलर किए हुए जीन्स को सादे पानी में अच्छी तरह से भिगो के निचोड़ लेना है और उसे ड्राई कर देना है। ड्राई करने के लिए मैं यहाँ वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद आप जीन्स को किसी लाइट डिटर्जेंट से भी धो सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा कलर निकल जाए। यहाँ 2 मिनट का टाइमिंग सेट कर दिया है। और डन, हमारी न्यू कलर जीन्स रेडी है। अब आप अपने कलर जीन्स का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि यह फिर से न्यू जीन्स दिख रही है। आई होप आपको ये शॉर्ट हैक वीडियो पसंद आएगा। सो दोस्तों, लाइक बटन को हिट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।